नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम आपके लाए हैं बिहार से मेन का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 10वां। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, नॉर्वे। क्या दोस्तों का बी? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी का नाम बदलकर क्या रखा गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, काराकोरम। क्या दोस्तों का बी? काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किस खनिज का भंडार भारत में सबसे अधिक है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किस खनिज का भंडार भारत में सबसे अधिक है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, थोरियम। क्या दोस्तों का ए? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, एडीबी। क्या दोस्तों का सी? एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक क्या निर्धारित किया गया है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक क्या निर्धारित किया गया है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, 8%। क्या दोस्तों का ए? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, अपनी आवश्यकता से अधिक भारत किस चीज का उत्पादन करता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अपनी आवश्यकता से अधिक भारत किस चीज का उत्पादन करता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, चाय। क्या दोस्तों का बी? चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, WTO का गठन कब हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, WTO का गठन कब हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, जनवरी 1995। क्या दोस्तों का ए? जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व का कौन सा देश अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुका है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व का कौन सा देश अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुका है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, नेपाल। क्या दोस्तों का सी? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत दर घटा? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत दर घटा? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, प्रथम। क्या दोस्तों का बी? प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें से कौन से दो परोक्ष कर हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें से कौन से दो परोक्ष कर हैं? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, आयकर एवं उत्पादन शुल्क। क्या दोस्तों होगा सी, आयकर एवं उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्यारह नंबर चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, 16 मार्च। क्या दोस्तों का ए, 16 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किस नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किस नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी,
स्वर्ण रेखा। क्या दोस्तों का डी स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों का बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किसी राष्ट्र के धन में क्या शामिल नहीं हो सकता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किसी राष्ट्र के धन में क्या शामिल नहीं हो सकता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी उसका पशुधन। क्या दोस्तों का बी उसका पशुधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं हो सकता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं हो सकता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या अन्य मंत्री। क्या दोस्तों होगा, ए प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं अन्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें किस राज्य का भी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी जम्मू कश्मीर। क्या दोस्तों का सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी संघीय और संसदीय। क्या दोस्तों का बी संघीय और संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी 7000। क्या दोस्तों का बी 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी लोकतंत्र। क्या दोस्तों का सी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के लिए किस अनुसूची में है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी 12वीं। क्या दोस्तों का डी 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी ढीली। क्या दोस्तों का बी ढीली। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या दोस्तों का बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी निर्वाचित सरकार को बदलना। क्या दोस्तों होगा, बी निर्वाचित सरकार को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए मुस्लिम वर्ग। क्या दोस्तों का ए मुस्लिम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन
25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या दोस्तों इसका आंसर होगा सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। क्या दोस्तों का बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, राजनीतिक दल का आशय है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, राजनीतिक दल का आशय है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, व्यक्तियों के समूह से। क्या दोस्तों का सी, व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, संसदों एवं विधायक पर। क्या दोस्तों होगा ए, संसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष। क्या दोस्तों होगा बी, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर वीडियो क्लास क्वेश्चन दोस्तों, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, 100 देशों में। क्या दोस्तों होगा सी, 100 देशों में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।